खास करके बिलासपुर शहर के अनूप को सिक्के और नोटों के कलेक्शन का जुनून है। अब अनूप का यह शौक ही उन्हें अलग पहचान दिला रहा है। दरअसल अनूप गुप्ता फूड सप्लाई का बिजनेस करते हैं। उनके पास पुराने और कई देशों के नोटों का और सिक्कों का कलेक्शन है। दुकान में नए पुराने नोट और सिक्कों को देखकर उनके बंद होने का विचार मन में आने के बाद अनूप ने यह कलेक्शन शुरू किया। आइए अनूप के शौक की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं 13 साल का था तब से मुझे शौक है और पहले ये 5 के नोट सिक्के चलते थे बड़े वाले, उसके बाद ये छोटे वाले सिक्के चलते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 5 के सिक्के बंद जाएंगे या मुझे नहीं मिलेंगे, तो उस डर से मैं फिर इसे कलेक्ट किया, अपने गुल्लक में रखा हुआ था। तब से मतलब वहाँ से मेरा कलेक्शन का शुरुआत हुआ और तब से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ लगातार। और अब धीरे धीरे करके सभी जितने भी कलेक्शन हैं मेरे पास वो सब हो चुके हैं। मेरे पास 192 देश से 200 देश के आसपास मेरे पास कलेक्शन है और सिक्के भी उतने ही हैं फॉरेन कंट्री के, और भारतीय सिक्कों और नोटों का भी कलेक्शन है मेरे पास। मेहनत क्या आप देखिए, कई बार दुकानदारी भी छूट जाती है, मैं पैसे से दुकानदार हूँ, दुकानदारी छूट जाती है मेरी उस वजह से। कलेक्शन करने के लिए मैं कई बार बाहर एग्जीबिशन भी अटेंड करने गया हूँ कि किस तरीके का कलेक्शन किया जाता है, वो भी मैं देखने गया हूँ और उससे भी प्रेरित हुआ हूँ मैं। अनूप लगातार दुकान में आने वाले पुराने सिक्के और नोटों को जमा करने लगे। अनूप के पास भारत में 1945 से चलन में आए नोटों का कलेक्शन है। 1830 से लेकर 1945 और अब तक के चलन में रहे भारतीय सिक्कों का नायाब कलेक्शन अनूप के पास है। इस विषय में अनूप के परिवार वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है, और जब मैं शादी होके आई थी उस समय इनके पास थोड़े बड़े सिक्के थे, नोट थे, ये पुराने समय में जो दादी नानी के टाइम के जो भी सिक्के थे वो सब नए नए सिक्के कलेक्शन करने का इनको बहुत शौक था, नए नोट नए सिक्के, तो ये बचपन से उस चीज़ों को करते जा रहे थे। फिर धीरे 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 जैसे जैसे इनको जानकारी मिली, इनका कलेक्शन बढ़ता गया और उसको कैसे संग्रहित करना है कैसे जमाना है ये सब करते करते इनका कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे को तो बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमेशा से मैं चाहती थी कि भाई मेरे हस्बैंड या कोई भी एक अपनी अलग पहचान बनाए, और उनका शौक़ है और उस शौक़ के चलते वो अपनी पहचान बना रहे, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब देखिए मेरा तो ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा सहयोग कर नहीं पाती इनको, क्योंकि इनके खुद के पास भी समय बहुत कम होता है, और मेरे से जितना बन सकता है जो ये मेरे से बोलते हैं और मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं उस तरीके से इनकी हेल्प करती हूँ, यही बस उतना ही हेल्प कर पाते, बाकी तो असली मेहनत इन्हीं की रहती है। मेरे को मैच बॉक्स कलेक्शन करना अच्छा लगता है। किस तरह की? मतलब अब मैं अपनी नानी के घर गया तो वहाँ पे मेरे को अलग मैच बॉक्स मिले तो मैं वहाँ से लेके आया, फिर यहाँ आए तो यहाँ पे अलग मैच बॉक्स मिले, तो फिर सबको मेरे को लगा कि अब इनको भी रखना चाहिए, आगे जाके नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं भी सबको रखते गया, फिर रखते रखते ये ऐसा ये इतने सारे। मैंने बचपन से ये सब देखते हुए मैं आई हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब मुझे भी इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो तो वो कर रहे हैं जो अभी मतलब नॉर्मली चल रहे हैं, पर मुझे वो करने हैं जैसे एरर नोट होते हैं जो कि बहुत रेयर मिलते हैं हमको, या फिर कॉम्पिटिटिव कॉइन्स एकदम अलग से जिसमें कलर्स होते हैं, या प्लास्टिक के कॉइन्स अभी निकले हुए हैं, वो सारी चीज़ें। अनूप ने 205 देशों के सिक्कों को जमा किया है। इन सिक्कों का संग्रह इतना अधिक है कि अगर सिक्कों को तौला जाए तो इसका लगभग 50 किलो से अधिक का वजन होगा। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिन्हें अब नोट छापने तक की अनुमति नहीं है, उनके देश में दूसरे देशों का आधिपत्य है। उन देशों के भी पहले चलन में रहे सिक्कों का संग्रह अनूप ने किया है। बिलासपुर से मोहम्मद सुलेमान खान, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।